राधा वल्लभ के भजनों पर श्रद्धालुओं ने जमकर लगाए ठुमके। कालका में राधा वल्लभ जी के विवाह उत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया गया। कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लतिका शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि भाजपा जिला सह संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ तरसेम गुप्ता एवं जिला कार्यकारिणी सदस्य व पूर्व पार्षद कृष्ण लाल लांबा ने विशेष अतिथि के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। जानकारी देते हुए भक्त पिंकी शैली ने बताया कि इस कड़ी में सबसे पहले नानक चक की रस्म अदा की गई, जिसके बाद जागो निकाली गई। वहीं बुधवार को प्राचीन काली माता मंदिर कालका से विशाल शोभा यात्रा हाउसिंग बोर्ड गीता भवन तक निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शोभा यात्रा का जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। कालका व्यापार मंडल की तरफ से भी राधा वल्लभ का स्वागत किया गया। उधर गीता भवन में राधा वल्लभ जी का विवाह विधि विधान से करवाया गया। ठाकुर राधा वल्लभ लाल को फूलों का सहरा बांधा गया। इससे प्रतीकात्मक रूप में ठाकुर राधा वल्लभ लाल ने भक्तों को दूल्हे के वेश में दर्शन दिए, जो कि भक्तों के बीच में एक आकर्षण का केंद्र बना रहा। कार्यक्रम में वृंदावन के मशहूर कथावाचक हित पारस ने राधा वल्लभ जी के भजनों का गुणगान किया। इस दौरान पूरा पंडाल राधा वल्लभ जी के जयकारों से गुंजायमान हो उठा और सभी भक्त भक्ति के रंग में नाचते हुए नजर आए। श्रद्धालुओं ने भी राधा वल्लभ के भजनों पर जमकर ठुमके लगाए व फूलों की होली खेली, तथा अंत में रात्रि भोज भी भक्तों को करवाया गया। Oh, 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 oh